नमस्कार दोस्तों, इंडियन यूथ एक्टर्स, जी हाँ, इंडियन यूथ एक्टर्स चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो हमारे पूरे देशवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें इतनी सारी कहानियाँ भेज रहे हैं। पूरा इंडिया हमें कहानी भेज रहा है और हम प्राउड फील कर रहे हैं कि हमें आपकी कहानियों पे काम करने का मौका मिल रहा है। दोस्तों, आज की कहानी भेजा है मिस्टर अजय कुमार, जो झांसी से हैं और प्रोफेशनली वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। वो दिल्ली में रहते हैं और अपनी गांव की कहानी बता रहे हैं जो उनकी आंखों देखी है। कहानी का शीर्षक है पिता का बटवारा। आइए सुनते हैं कहानी। राम प्रसाद, उम्र 60 साल, एक धाकर इंसान, उजला कुर्ता, उजली धोती और कंधे पे गमछा उजला, बाल भी उजला और चेहरा गोरा चिट्टा। जब बाहर निकले तो मानो गांव का हीरो निकल रहा है। गांव में सब राम प्रसाद की बहुत इज्जत करते थे। वो गांव के लिए एक न्यायक, सहायक और प्रतिष्ठित नागरिक थे। गांव में विधायक से लेकर सांसद और बड़े बड़े नेता उनकी बात सुनते थे और मानते थे। झांसी गांव का बच्चा बच्चा राम प्रसाद की आदर करते थे। क्यों न करे भाई, सबके लिए जान चिरकते थे राम प्रसाद। गांव में सबका ख्याल रखते थे राम प्रसाद। एक दिन कृपा शंकर की गाय रातों रात चोरी हो गई तो राम प्रसाद ने अपनी गाय उनको दे दिया। ऐसे हजारों किस्से राम प्रसाद के महानता को बयां करते थे। राम प्रसाद के घर में उनकी पत्नी रहती थी। उनके दो बेटे थे, राम और श्याम, जो दिल्ली शहर में कोई प्राइवेट नौकरी करते थे। उम्र तो उनकी 60 साल थी, लेकिन कभी भी अपनी धर्मपत्नी के लिए गुलाब का फूल लाना नहीं भूलते थे। और उनकी पत्नी भी उस उम्र में भी अपने पति के लिए सजना सवरना नहीं छोड़ती थी। उम्र 60 होने के बावजूद भी राम प्रसाद व्यायाम करना और सुबह सुबह दौड़ लगाना उनकी दिनचर्या थी। राम प्रसाद अपने घर में सुबह सुबह नाश्ता कर रहे थे, फोन पे अपने बेटे राम का नंबर देखकर बहुत खुश हुए। फोन उठाया तो उनके बेटे राम, पापा पापा आपको पोती हुई है, आप फिर से दादा बन गए पापा। वाह बेटा, मैं आता हूँ 2-4 दिन में, तब तक तुम मेरी पोती का ख्याल रखना। राम प्रसाद अपनी पत्नी के साथ दिल्ली आए, अपनी नई पोती के लिए कपड़े दिए, उनको आशीर्वाद दिया और फिर वापस गांव चले आए। गांव में सब कुछ सही चल रहा था। एक दिन गर्मी बहुत थी। राम प्रसाद अपने बगीचे में बैठे हुए थे। शाम के 4 बज रहे थे। इस तरफती गर्मी में एक हल्की सी हवा का झोंका उनको छूता हुआ चला गया। वो इंतजार कर रहे थे कि थोड़ी हवा और चले तो उन्हें थोड़ा और सुकून मिले। तभी रमेश दौड़ता हुआ आया और जोर से चिल्लाया, दद्दा दद्दा, दादी घर में गिर गई है। इतना बोला और वहीं खाट पे लेट गया। रमेश परोस का एक छोटा सा बच्चा था। राम प्रसाद तेज कदमों से घर आए, तब तक उनकी धर्मपत्नी उन्हें छोड़कर परलोक सिधार चुकी थी। राम प्रसाद के लिए इतना बड़ा सदमा पड़ा कि वो पूरी तरह से टूट गए। वो इस पल को ऐसे महसूस कर रहे थे मानो गांव के पीपल के पेड़ के सारे पत्ते झड़ गए हों और पत्तों के लिए तरस रहा हो। राम प्रसाद अपनी पत्नी का श्राद्ध कर्म पूरा करके अपने बेटे के सहारे अपनी जिंदगी गुजारने का फैसला किया। उन्होंने सोचा कि ये घर उन्हें काटने को दौड़ेगा और वो बहुत सोचने के बाद ये फैसला लिए कि बाकी की जिंदगी अपने बेटों और पोते पोतियों के साथ बिताएंगे। राम प्रसाद ने अपने दोनों बेटे को छत पे बुलाया और फैसला सुनाया, राम और श्याम, मैं तुम लोगों के साथ बाकी की सारी जिंदगी गुजारना चाहता हूं और मैं तुम लोगों के साथ ही रहूंगा दिल्ली में, क्योंकि ये घर मुझे काटने को दौड़ रहा है और वैसे भी मेरा इस गांव में है कौन तुम लोगों के सिवा, इसलिए हम भी तुम लोगों के साथ ही रहेंगे। दोनों बेटों ने कुछ जवाब नहीं दिया।
फिर राम सर हिलाकर मुस्कुराते हुए नीचे चला गया। राम प्रसाद मन ही मन बहुत खुश हुए और श्राद्ध क्रम के बाद कुछ दिन सारे अर्थव्यवस्था ठीक करके गांव से परिपूर्ण विदा लेकर दिल्ली चले आए। राम प्रसाद दिल्ली की भागा भागी में अपनी पत्नी की यादों से बाहर निकलकर वो अपने पोते और पोतियों के साथ खुश रहने लगे थे। सुबह सुबह बच्चों के तैयार होने वक्त उनकी किताबें रखना, उनका बैग तैयार करना और उन्हें स्कूल तक छोड़ने का काम भी शुरू कर दिया था। उन्हें अच्छा लगने लगा था दिल्ली की जिंदगी। 15 दिन में वो बच्चों से ऐसे मिल चुके थे जैसे मानो जन जन्मांतर का संबंध हो। स्कूल की छुट्टी होने से पहले ही राम प्रसाद स्कूल के गेट पहुंच जाते और उन बच्चों का इंतजार करते थे, साथ में उनकी होमवर्क को भी पूरा कराने में सहायता करते थे, बच्चों के साथ व्यस्त रहने लगे थे। देखते ही देखते सुबह से शाम, शाम से दोपहर, दोपहर से रात हो जाती और दिन गुजर जाता। एक दिन राम प्रसाद के बड़े बेटे यानी राम प्रसाद का पोता सिद्धार्थ ने एक अनजाना सा सवाल कर दिया जिसका जवाब राम प्रसाद के पास नहीं था। दादू दादू आप यहाँ से कब जाओगे? दादू बताओ ना आप यहाँ से कब जाओगे? 5 साल के बच्चे के इस सवाल का जवाब राम प्रसाद के पास नहीं था। वो उसके माथे को सहलाते हुए मुस्कुराते हुए बात पलट कर पूछा, बेटा आज मोटी मैम ने तुम्हें होमवर्क में क्या दिया है? दादू दादू मोटी मैम बहुत नाराज थी, आज मुझे डांट रही थी, बोल रही थी होमवर्क में बहुत सारी गलतियां हैं। दादू ये दादू वो, बातों ही बातों में सवाल को टाल दिया राम प्रसाद। लेकिन उनके दिमाग में बहुत सारे सवाल पैदा हो, वो देर रात तक सोचते रहे कि इस छोटे से बच्चे के मन में ये सवाल आया तो आया कहाँ से। सुबह उठकर बच्चों को स्कूल छोड़ के वापस आए तो उनकी बहू कपड़े धो रही थी। बाबूजी चाय पियेंगे? बहू ने हर रोज की तरह पूछा तो राम प्रसाद ने झट से हाँ कहकर अंदर कमरे में चले गए। अभी राम तैयार होकर ऑफिस के लिए निकलने की तैयारी कर रहा था। बहू चाय लेकर आई, कप दी और बोली, बाबूजी सिद्धार्थ ने आपसे एक सवाल पूछा था, आपने उसका जवाब नहीं दिया। कप की पहली चुस्की हलक से उतरने ही वाली थी कि बहू की बात सुनकर राम प्रसाद के हाथ से कप गिर गया। राम प्रसाद बहू की तरफ देखा तो बहू नीचे जमीन पे पैर से कुछ लिखने की कोशिश कर रही थी। बेटा हम तो हमेशा के लिए आप लोगों के पास आए थे, कल बता दूंगा, कल राम और श्याम से बात करके बता देता, कल तक का टाइम दो बहू। बहू बिना बोले कमरे से बाहर चली गई। राम प्रसाद अपने गिरे कप को समेटते समेटते उनकी आंखें नम हो गई। पूरे में कप डालने के बाद राम प्रसाद को अपने बेटे और अपने बहू के कुछ बहस होने की आवाज सुनाई। राम प्रसाद सहम गए, धीरे से अपने बेड पे जाकर बैठे। उनकी आंखों से अश्रु की धारा बह रही थी। मौसम है ये जो बदलता नहीं,
मुखदर पे कुछ जोर चलता नहीं, वो मौसम है ये जो बदलता नहीं। सोचने लगे जाऊं तो जाऊं कहां, उन्होंने इस दिन को सपने में भी नहीं सोचा। उनको तमाम वो तस्वीर साफ झलक रही थी। इन दोनों बेटों के लिए हर खुशी कुर्बान कर दिया और आज खुद के बेटे के घर में उन्हें कितने दिन के लिए रहना है ये उन्हें बताना है। सोचते सोचते बहू की आवाज है, बाबूजी खाना लगा दो। झट से सोच से बाहर निकलकर भरे गले में राम प्रसाद बोले, नहीं बहू मैं बाद में खा लूंगा। उनकी आवाज में साफ स्पष्ट रूप से पता चल रहा था कि राम प्रसाद जी रो रहे थे। राम प्रसाद जी को खाना कहां सूझ रहा था। देखते ही देखते एक बज गया। वो बच्चों को लेकर घर आए तो उस दिन उनका चेहरा उतरा हुआ था, आंखें लाल हो रखी थी। दादू दादू आप मुझे छोड़कर मत जाना दादू, क्योंकि आपने हमें हिंदी में आज पिटने से बचा लिया दादू, थैंक यू दादू। बोलकर जोर से पकड़ लिया सिद्धार्थ ने अपने दादू राम प्रसाद। राम प्रसाद की तो जान ही निकल गई। वो ना चाहते हुए फिर रोने लगे, दादू आप क्यों रो रहे हो दादू। राम प्रसाद उठकर कमरे से बाहर निकल गए और जोर जोर से रोने लगे। आवाज तो नहीं थी बट आंखों के आंसू तेजी से गिर रहे थे। रात के 8 बजे राम ऑफिस से आए तो वो भी परेशान दिख रहे थे। राम प्रसाद चाह कर भी उनसे बात नहीं किया। उन्होंने सोचा कि कल तो रविवार है, कल छुट्टी ही रहेगी तो मैं अपने बेटे से कल ही बात कर लूंगा। सुबह का इंतजार करने लगे। सुबह होते ही राम का छोटा भाई श्याम आया और अपने बाबू जी को पैर छूकर प्रणाम किया। श्याम को देखकर राम प्रसाद बहुत प्रसन्न हुए। बाबूजी आप छत पे चलिए, आपसे कुछ बात करनी है। छत पे गए तो राम पहले से खड़ा था। बाबूजी देखिए, हम आपके भले के लिए हम दोनों ने फैसला किया है कि 15 दिन आप मेरे यहाँ रहिएगा और 15 दिन आप श्याम के घर रहिएगा, क्योंकि बाबूजी खर्चा बहुत है, शहर में आप हमारी जिम्मेदारी हैं। आप श्याम के साथ चाहिए और आज 1 तारीख भी है तो आपको 15 को मैं लेने आऊँगा, या फिर आप तो खुद ही चले आइएगा, आपको तो पता ही है रास्ता। इस बहाने आपका मन भी थोड़ा लगा रहेगा और हम दोनों के लिए फायदेमंद भी रहेगा। राम प्रसाद चुप रहे। अपने बेटे राम की बात सुनकर वो दंग रह गए। कुछ देर तक सन्नाटा छाया रहा, फिर थोड़ी देर के बाद राम प्रसाद अपने छोटे बेटे यानी श्याम के घर चले और अपने बेटे श्याम के साथ छोटी छोटी बातों को ध्यान न देकर खुशी पूर्वक रहने लगे। उनकी जिंदगी का फैसला उन दोनों बेटों ने कर दिया जिसको उन्होंने सोचा तक नहीं था। चुप रहते हैं। पंद्रह तारीख को राम आए और अपने घर लेकर आए और राम प्रसाद अपने प्यारे पोते सिद्धार्थ से मिले और सिद्धार्थ भी बहुत खुश हुआ। सिद्धार्थ के साथ रहते रहते फिर 15 दिन कैसे गुजर गए उन्हें पता ही नहीं लगा। फिर राम प्रसाद अपने छोटे बेटे श्याम के घर चले गए। ये सिलसिला जारी हो गया। मन ही मन राम प्रसाद दुखी होते बट सुनाते तो किसको सुनाते अपनी बातें, और जाते भी तो कहां जाते।
जो महीना 31 दिन का होता था राम प्रसाद को भूखे पेट सोना पड़ता था। लेकिन राम प्रसाद इन छोटी छोटी दिक्कतों के बावजूद कभी भी किसी से शिकायत नहीं किए, चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट बनी रहती थी। एक दिन अपने पोते ने उनसे जिद किया, दादू दादू आपको पता है फादर्स डे आने वाला है, एक कविता मुझे सुनाना है। स्कूल में मोटी मैम ने मुझे बोला है कि तुम हिंदी में एक कविता लिख के लाना, आप हेल्प करेंगे। उन्हें वो पल याद आ गया जो उनके बचपन का था। गांव में वो भी स्कूल जाते थे, वो छोटा सा बचपन उन्हें अपना याद आने लगा। वो मन ही मन उस कविता को गुनगुनाने लगे जिस कविता को उन्होंने अपने पापा के लिए गाया था। पिता जीवन है, संबल है, शक्ति है, पिता सृष्टि के निर्माण की अभिव्यक्ति। पिता जीवन है, संबल है, शक्ति है, पिता सृष्टि के निर्माण की अभिव्यक्ति है। पिता उंगली पकड़े बच्चों का सहारा है, पिता कभी कुछ खट्टा कभी खारा है। पिता पालन है, पोषण है, परिवार का अनुशासन है, पिता धौंस से चलने वाला प्रेम का प्रशासन है, पिता धौंस से चलने वाला प्रेम का प्रशासन। पिता रोटी है, पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है, पिता छोटे से परिंदे का उड़ता आसमान है। पिता अप्रदर्शित अनंत प्यार है, पिता है तो बच्चों को इंतजार है, पिता है तो बच्चों को इंतजार है। पिता से ही बच्चों का ढेर सारे सपने हैं, पिता है तो बाजार के सब सारे खिलौने अपने हैं, पिता है तो बाजार के सब खिलौने अपने। पिता से परिवार में प्रतिपल राग है, पिता से ही माँ की बुद्धि और सुहाग है। पिता परमात्मा की जगत के प्रति आसक्ति है, पिता गृहस्थ आश्रम में उच्च स्थिति की भक्ति है। पिता अपनी इच्छाओं का हनन और परिवार की पूर्ति है, पिता रक्त में दिए गए संस्कार की मूर्ति है, पिता रक्त में दिए गए संस्कार की मूर्ति। पिता एक जीवन को जीवन दान है, पिता दुनिया दिखाने का एक एहसान है। पिता सुरक्षा है अगर सिर पे हाथ है, पिता सुरक्षा है अगर सिर पे हाथ है, तुम पिता नहीं तो बच्चा अनाथ है। पिता से बड़ा अपना नाम करो, पिता से बड़ा तुम अपना नाम करो, पिता का अपमान नहीं उनका अपमान करो, क्योंकि माँ बाप कभी बांट नहीं सकता, ईश्वर की शक्ति भी उनके आशीर्वाद को काट नहीं सकता। विश्व भी किसी देवता का स्थान दूजा है, माँ बाप से माँ बाप की सेवा ही संसार की सबसे बड़ी पूजा है। विश्व में किसी भी तीर्थ की यात्राएं व्यर्थ है यदि बेटे के होते माँ बाप असमर्थ है। वो खुश नसीब है जिनके माँ बाप होते हैं, क्योंकि माँ बाप के आशीषों के हाथ हजार हाथ। कविता को होठों में राम प्रसाद गुनगुनाते हुए आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। दादू 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 आप प्लीज रो मत ना, प्लीज दादू दादू दादू। राम प्रसाद अपने पोते सिद्धार्थ को उठा के जोर से सीने में भर के और एक एहसास फील करने लगे कि आज दादू अपने पोते सिद्धार्थ को बाहों में भर लिए और अपने दिल को एहसास देने लगे कि वक्त बदल गया, समय बदल गया। आज लोग बाप को ही एक जिम्मेदारी मान लेते। बस इतनी सी थी ये कहानी। दोस्तों आप अपनी कहानी हमें भेजिए, हम आपकी कहानी का इंतजार करते हैं।